नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग आपको इतिहास के टॉपिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं और आगामी एग्जाम को देखते हुए तो उसके जो इतिहास पोर्शन के जो जीएस के क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो। विशेषकर सिविल सर्विसेज यानी UPSC और UP स्टेट PCS के लिए। तो अब तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है, तो अब तक हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक्स डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज, वैदिक पीरियड तक का हमने क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था। और इसके माध्यम से हम लोगों ने आपको बताया था कि कैसे एंशियंट हिस्ट्री में इन टॉपिक्स का महत्व है। आज हम इसके ही आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं और जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है हमारा 16 महाजनपद युग, यानी वैदिक पीरियड के बाद भारतीय इतिहास ने करवट ली और पहला नगरीकरण जो आपका हड़प्पा सभ्यता था, आज जो हम देखने जा रहे हैं वो भारत का द्वितीय नगरीकरण है, यानी सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री और ऑफ इंडियन एंशियंट एरा। तो देखते हैं द्वितीय नगरीकरण के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं घटी। ये भी जो टॉपिक्स है मित्रों, ये आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत ही आता है, प्राचीन भारतीय इतिहास। और इस प्राचीन भारतीय इतिहास में अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या है, इसको हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो इस एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में क्या है, क्या टॉपिक्स हैं और किस प्रकार इसको हमें करना है, इसको हम देखते हैं। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, तो इसमें जब हम देखें अपना पहला टॉपिक अगर हम यहाँ डिस्कस करते हैं तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में सबसे जो हमारा टॉपिक चल रहा था हिस्टोरिक पीरियड का। कौन सा पीरियड का? हिस्टोरिक पीरियड का, यानी हिस्टोरिक ऐतिहासिक काल का। किसका? ऐतिहासिक काल का। और ये ऐतिहासिक काल का वो पीरियड है जिसके पास हमारे पास सोर्सेज भी उपलब्ध हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इतिहास को अपने सोर्सेज और एविडेंस के आधार पर हम लोगों ने तीन कैटेगरी में किया है। एक है जो हमारा है प्री हिस्टोरिक पीरियड, और दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और थर्ड वन है हिस्टोरिक पीरियड। तो आज हम जिसका अध्ययन करेंगे वो है हमारा थर्ड, जिसको हम हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत जानते हैं। तो आज जरा हम इसके बारे में देखते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात की जाती है कि जो आपका ऐतिहासिक काल है वो कब से कब तक का है या किस समय की इसकी बात की जा रही है। तो यदि हम इसके बारे में टाइम या समय या काल के अध्ययन को करें तो ये बेसिकली स्टार्ट हो जाता है 600 BC से। कब से? 600 BC से, यानी 600 BC ऑनवर्ड। कब से स्टार्ट हो रहा है? 600 BC ऑनवर्ड, यानी 600 BC के समय से। ठीक है, अब बात आती है कि इस ऐतिहासिक काल में हम किस किन चीजों का या किन किन का अध्ययन करेंगे। तो जरा उसको हम लोग देख लेते हैं कि किन किन का अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सोर्स है, जो स्रोत है वो क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। जो हमारा 14 या 6वीं शताब्दी की जो ये बात चल रही है, इसमें 600 बीसी की जो बात चल रही है, इसके हमारे सोर्स क्या हैं। तो इसके हमारे बेसिकली अगर हम बात करें सोर्सेज के बारे में तो दो प्रमुख सोर्सेज हैं। एक हमारा बौद्ध ग्रंथ, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड बौद्ध ग्रंथ हैं, जिसे हम बौद्धिस्ट टेक्स्ट बोलते हैं, यानी इसके बारे में हमें जानकारी बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। और दूसरा यदि हम बात करें तो जैन टेक्स्ट के बारे में हमें भी जानकारी इससे मिलती है, यानी जैन ग्रंथों से भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब जैन क्या है, जैन टेक्स्ट क्या है, ये जरा हम लोग देखते हैं। जैन टेक्स्ट के बारे में यदि हम बात करें, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में बात करें, तो जो बौद्ध साहित्य या बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ हैं वो हमारे कौन से ग्रंथ हैं? अगुंतर निकाय। क्या है मित्रों? अगुंतर निकाय हैं। कौन है? अगुंतर निकाय हैं। तो इसके बारे में जरा देख लेते हैं, अगुंतर निकाय क्या है, अगुंतर निकाय इसके बारे में बात करते हैं। और दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो कौन से टेक्स्ट हैं जिसके अंतर्गत हम इसे देखते हैं, वो है हमारा भगवती सूत्र। क्या है? भगवती सूत्र, यानी जैन धर्म का ग्रंथ क्या कहलाएगा? भगवती सूत्र कहलाएगा। और बौद्ध धर्म का ग्रंथ क्या कहलाएगा?
अगुंतर निकाय कहलाएगा। भगवती सूत्रा और अगुंतर निकाय कहलाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो समय है ये क्या है। बेसिकली ये जो समय है भारतीय इतिहास का सेकेंड क्या है, द्वितीय नगरीकरण है। क्या है मित्रों? द्वितीय नगरीकरण, यानी भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ, ये उसके साथ से है। पहला नगरीकरण हम लोग हड़प्पा सभ्यता में पढ़ चुके हैं, यानी पहला जो नगरीकरण है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये बात ध्यान रखना। और द्वितीय नगरीकरण है वो हमारा 600 BC ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। और इस नगरीकरण में हुआ क्या, इसे क्यों नगरीकरण कहते हैं? क्योंकि इस समय भारत में कई जगह बहुत तेजी से आबादी, जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ी। तो तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी और लोगों का जो व्यवसाय है, जो ऑक्यूपेशन है, जो सर्विसेज हैं, वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा देखी गई। तो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा देखी गई, आबादी तेजी से बढ़ी, तो इस कारण इस समय को जो हम डिफाइन करते हैं, तो इस समय भारत में जनपदों की जो एक बारंबारता देखी गई है, राज्यों की बारंबारता देखी गई है, तो जैन ग्रंथ के अनुसार इस समय भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद का उदय हुआ, यानी 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपदों का उदय हुआ। अब कौन कौन से जनपद हैं, क्या उनकी राजधानियां हैं, ये क्वेश्चन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर से दूसरा पेज मांगते हैं, ठीक है, और दूसरा पेज आ गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले महाजनपद वर्तमान क्षेत्र कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, वर्तमान क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, और इन जनपदों की राजधानियां क्या थी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले संख्या आपको बता दी गई है, कितने हैं? 16 महाजनपद हैं। तो पहला जनपद जो है वो हम देखते हैं कौन सा है, पहला जनपद अंग है। कौन सा देश है? अंग देश है। कौन सा है? अंग देश है, यानी अंग राजकरण से याद आ जाना चाहिए तुम्हें अंग देश। और इस अंग देश का जो अगर हम आज की बात करें तो वर्तमान क्षेत्र भागलपुर, कौन सा पुर? भागलपुर ठीक है, और मुंगेर, यानी कुल मिला के ये क्षेत्र कहां पर होगा वर्तमान में? ये क्षेत्र बिहार में होगा। कहां पर होगा? बिहार में होगा। और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी थी चंपा, या इसका एक और नाम है चंपावती, यानी इसकी राजधानी भी आपको बता दी गई है और ये क्षेत्र भी आपको बता दिया गया है। दूसरे के बारे में यदि हम बात करें तो दूसरा जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? वो है आपका मगध। मगधा, ठीक है, मगध की राजधानी जो आज का क्षेत्र है इसके बारे में बात करें तो आज का क्षेत्र पटना, गया, ठीक है, पटना, गया, शहाबाबाद, ये कहां पर है? ये बिहार में है। कहां पर है मित्रों? बिहार में है। और ये कैपिटल की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल राजगीर है, ठीक है, या इसे राजगृह भी कहा जाता है। इसका एक नाम क्या है, वही नाम लिख देते हैं हम, राजगृह और पाटलिपुत्र, दो राजधानियां बनती हैं, एक राजगृह बनेगी और एक पाटलिपुत्र बनेगी, ठीक है। तीसरा जो आपका महाजनपद है वो है काशी। कौन सा है? काशी। तो ये अगर हम आज की बात करें तो ये आज का बनारस है। कौन सा है? बनारस। तो बनारस है कहाँ? आप लोगों को सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और यदि इसकी हम राजधानी बताएं तो ये इसकी राजधानी क्या है? बनारस है, वाराणसी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला जो हमारा है वो है कौशल।
कौशल, वर्तमान में कौशल के बारे में यदि हम बात करें तो वर्तमान में जो आपका अवध प्रदेश है, अवध प्रदेश यानी कहने का मतलब है वर्तमान में जो आपका फैजाबाद है, ठीक है, गोंडा है, बहराइच है, ये क्षेत्र आपका अवध के अंतर्गत आता है। और इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल अयोध्या और श्रावस्ती, अयोध्या और श्रावस्ती थी, ठीक है। पांचवें के बारे में यदि हम बात करें तो पांचवा क्षेत्र है आपका वत्स, पांचवा क्षेत्र क्या है, वत्स है। और वत्स का आज का क्षेत्र बात करें तो प्रयागराज है, कौशाम्बी है, प्रयागराज और कौशाम्बी, ये कहां पर होगा, यूपी में होगा, ये कहां पर होगा, यूपी में होगा, ठीक है। राजधानी की अगर हम इसकी बात करें वत्स की तो कहां पर थी, कौशाम्बी थी, कहां पर थी मित्रों, कौशाम्बी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है चेदी, नेक्स्ट राजधानी क्या है, चेदी है। और चेदी की अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र है आपका बुंदेलखंड का एरिया, बुंदेलखंड कहां कहां विस्तृत है, यूपी और एमपी में वर्तमान में विस्तृत है, ठीक है। और अगर हम इसकी कैपिटल के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल है शक्तिमती, क्या कैपिटल है, शक्तिमती इसकी कैपिटल है, ठीक है। सातवें के बारे में बात करें तो सातवीं राजधानी है कुरु, कौन सी राजधानी है, कुरु, कुरु अगर क्षेत्र के बारे में बात करें तो कुरु है दिल्ली, मेरठ और कुरुक्षेत्र, यानी जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। और इसकी अगर हम राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है हस्तनापुर, हस्तनापुर और बाद में बनेगी इंद्रप्रस्थ, बाद में क्या बनेगी, इंद्रप्रस्थ बनेगी, ठीक है। आठवें के बारे में यदि हम बात करें तो आठवां हमारा क्या है, तो आठवां राज्य है पांचाल, कौन सा है, पांचाल है। इसकी राजधानी, इसके क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये क्षेत्र आता है रोहिलखंड के अंतर्गत, रोहिलखंड के कौन कौन से जिले आ जाएंगे, बरेली आ जाएगा, बदायूं आ जाएगा, ठीक है, पीलीभीत आ जाएगा और बुलंदशहर आ जाएगा, अलीगढ़ आ जाएगा, यानी कुल मिला के आपका यूपी आ जाएगा, ठीक है। और यदि हम इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी थी दो, एक थी अहिछत्र और दूसरी थी कौन सी, कांपिल्य, एक है अहिछत्र और दूसरी क्या है, कांपिल्य है, ठीक है। तीसरे अगर हम राज्य के बारे में बात करें तो वो है कौन सा राज्य, मत्स्य, कौन सा राज्य है, मत्स्य है। और ये कौन कौन सा क्षेत्र है, ये है आपका जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये कहां पर पड़ेगा, आज का जो आपका राजस्थान वाला पोर्शन है वहां पर ये पड़ेगा। और यदि इसकी हम कैपिटल के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल क्या थी, विराट नगर थी, कहां पर थी, विराट नगर थी, ठीक है। अगला जो राज्य है हमारा वो है सूरसेन, क्या राज्य है, राज्य का नाम सूरसेन है, ठीक है। इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये रीजन कौन सा है, ब्रज मंडल का रीजन है, यानी ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। और इसकी राजधानी के बारे में यदि हम बात करें तो क्या होगी, मथुरा होगी, ठीक है, समझे आप। तो ये कितने क्षेत्र बताए गए हैं, यहाँ पर आपके 10 क्षेत्रों के बारे में हमने बताया है, कितने हैं, 10 क्षेत्रों के बारे में हमने क्या किया है, आपको बताया है। अगला देखते हैं, कंप्यूटर से पेज मांगते हैं, तो अगला यदि हम देखें 11वें नंबर पर
तो 11वें नंबर पर है हमारा अस्मक। कौन सा है? अस्मक। क्या है नाम? अस्मक है। अस्मक के अगर हम बात करें तो ये वो क्षेत्र है जो कहाँ कहाँ स्थित है वर्तमान में। वर्तमान में अगर हम इसके बारे में बात करें, वर्तमान में नर्मदा एवं गोदावरी के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है? नर्मदा एवं गोदावरी के मध्य स्थित। ठीक है। और इसकी राजधानी के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है पोटली, कैपिटल या पोटन। पोटली कैपिटल है या पोटन है। ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा राज्य है आपका अवंती। क्या नाम है? अवंती। क्या नाम है मित्रों? अवंती। और इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र होगा? इसका क्षेत्र मित्रों उज्जैन है और मालवा है। कौन सा है? उज्जैन और मालवा। यानी कहां पर पड़ेगा? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। राजधानी के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी दो राजधानियां हैं। उत्तरी क्षेत्र की राजधानी अगर हम बात करें, किसकी मित्रों? उत्तरी रीजन की। इसके उत्तरी क्षेत्र की राजधानी बात करें, उत्तरी राजधानी इसकी उज्जैन है। कैसी है? उज्जैनी। और पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र के बारे में यदि हम बात करें तो दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी है महिष्मति। वही महिष्मति बाहुबली वाली मित्रों। क्या नाम है? महिष्मति नाम है इसका। महिष्मति नाम है। ठीक है। तीसरा 13 जो राज्य है हमारा, 13 राज्य अगर हम देखें तो 13 राज्य है गंधार। कौन सा राज्य है? गांधार। ठीक है। गांधार है कहाँ पे? तो गंधार है कंधार में, जो आज का कंधार है, आज का काबुल है। ठीक है। रावलपिंडी है। ठीक है। कुल मिला के आप कह सकते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये रीजन क्या है? पाकिस्तान में है। और ये रीजन क्या है? गंधार में है। ठीक है। कैपिटल के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? तक्षशिला। क्या है मित्रों? तक्षशिला। ठीक है। क्या नाम है? तक्षशिला है। 14वां अगर हम राज्य देखें तो 14वां राज्य है कंबोज। 14वां राज्य क्या है? कंबोज है। ठीक है। और ये जो क्षेत्र है वर्तमान में पुंछ है, कश्मीर है, राजौरी है। ठीक है। हजारा है। ये तो आपके J&K में है। ठीक है। और इसके बारे में यदि बात करें, ये पाकिस्तान में है। ठीक है। और इसकी अगर हम राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है हाटक। क्या राजधानी? हाटक। और एक नाम इसका और है, राजापुर नाम है। क्या नाम है? राजापुर नाम है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगली राजधानी बज्जी है। कौन सी है? बज्जी है। क्या नाम है इसका? वज्जी है। तो इसमें कौन कौन सी हैं? इसमें बेसिकली 8 स्टेट हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट, 8 स्टेट हैं, जो कहाँ फैली हुई हैं? बिहार और नेपाल रीजन में फैली हुई हैं। क्या हैं? बिहार और नेपाल रीजन में। कौन कौन सी 8 स्टेट हैं? तो एक स्टेट है विधे, एक स्टेट है आपकी बज्जी। क्या है? बज्जी। एक स्टेट है आपकी लिच्छवी, एक स्टेट है आपकी ग्यात्रुक, एक स्टेट है आपकी कुंडलग्राम, एक स्टेट है आपकी उग्र, एक स्टेट है आपकी भोज, और एक स्टेट है आपकी इच्छा कुवंश। तो ये क्या है? ये आपकी स्टेट हो गई हैं। इसकी राजधानी अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी दो होंगी, एक वैशाली होगी और एक मिथिला होगी। क्या होगी?
मिथिला होगी, ठीक है, क्या होगी, मिथिला होगी और एक वैशाली होगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो 16वां राज्य है वो राज्य है मल्ल, कौन सा है, मल्ल प्रदेश है, ठीक है। और ये जो मल्ल प्रदेश है ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश का देवरिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है कुछ क्षेत्र, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है कुछ क्षेत्र, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है कुछ, कुशीनगर के अंतर्गत आता है कुछ, बस्ती के अंतर्गत आता है। तो ये आपका कहाँ पे बेसिकली फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। और इसकी राजधानियाँ, दो राजधानी इसकी भी हैं, क्या हैं, दो राजधानी हैं, एक राजधानी इसकी होगी कुशीनगर, एक क्या होगी, कुशीनगर, और दूसरी राजधानी होगी पावापुरी, दूसरी राजधानी क्या होगी, पावापुरी होगी। तो ये बेसिकली आपकी क्या है, आपके 16 महाजनपद हैं, क्या है बेसिकली, 16 महाजनपद हैं, ठीक है। अब बात आती है सर कि इन 16 महाजनपदों में कुछ यूनिकनेस है, क्या कुछ है, तो बिल्कुल सही बात है, इनमें कुछ यूनिकनेस है और उसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले यहीं पर देख लें, ये जो बज्जी है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें कितनी स्टेट हैं, 8 स्टेट हैं, यानी जो बज्जी प्रदेश है वो एक गणतंत्रात्मक है, क्या है मित्रों, गणतंत्रात्मक प्रदेश है, कौन सा है, गणतंत्रात्मक प्रदेश है, यानी एक रिपब्लिक स्टेट है, ये क्या है, कुल मिला के ये रिपब्लिक है, इसका जो मुखिया चुना जाता है उसको बाय द इलेक्शन चुना जाता है, बाय रिपब्लिक द्वारा चुना जाता है। दूसरी बात, पहले पेज पे हमें जाना पड़ेगा, तो पहले पेज पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन से बारे में हमें बात करनी है, तो यहाँ पर मित्रों हमें बात करनी है उस क्षेत्र के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और उसी पेज पे ही है, सॉरी, तो पेज दोबारा उसी पे चलते हैं। ये जो पेज है आपका, ये है आपका असमत, क्या है, ये है असमत, यानी ये आपका साउथ इंडिया में प्रदेश है, कहाँ पर है, साउथ इंडिया में, यानी 16 महाजनपदों में एक जनपद ऐसा भी था जो आपका दक्षिण भारत में था, कौन सा था, दक्षिण भारत में था, तो ये यहाँ पर हम लोगों ने देखा है। और ये दोनों फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी राजधानियाँ पूछी जाती है, वर्तमान इनकी लोकेशन पूछी जाती है, तो आपको सबकी वर्तमान लोकेशन भी बताई गई है, आपको सबकी राजधानियाँ भी बताई गई हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम अपना अगला टॉपिक, या इसी में जो अगला टॉपिक है, आप बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव, सबसे ज़्यादा वलसाली इन 16 महाजनपदों में कौन सा जनपद था। तो इस समय सबसे ज़्यादा वलसाली वो जनपद होगा जहाँ के पास संसाधन बहुत ज़्यादा होंगे। आप इस समय की ज्योग्राफी को समझिए, संसाधनों का मतलब है जहाँ पर सबसे ज़्यादा संसाधन होंगे, लाइक आयरन सबसे ज़्यादा उपलब्ध हो, पहली बात, दूसरी बात सुरक्षा की दृष्टि से अवैध हो, ठीक है, तीसरी बात उस समय में सबसे महत्वपूर्ण जानवर और इंस्ट्रूमेंट उनके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा उत्कर्ष, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस जिस प्रदेश ने की, वो प्रदेश बेसिकली मित्रों क्या है, मगध है, क्या है, मगध है। क्यों हुई, ये भी इसकी एक विशेषता है, क्या विशेषता है, क्योंकि आप जानते हो मगध प्रदेश जो वर्तमान में आप देख रहे हैं ये प्रदेश बिहार में है, और ये जो बिहार का ये प्रदेश है ये संसाधन की दृष्टि से काफ़ी धनवान प्रदेश है। अगर संसाधन की दृष्टि से काफ़ी धनवान प्रदेश है तो आसानी से लोगों को आयरन मिल जाता है, तो आयरन जब आसानी से मिल रहा है तो तेज़ी से जंगल साफ हो रहे हैं, तेज़ी से जंगल जब साफ हो रहे हैं तो तेज़ी से उसमें खेती की जा रही है, जब तेज़ी से खेती की जा रही है तो एक्स्ट्रा सरप्लस पैदा हो रहा है, यानी पैदावार खूब हो रही है, जब पैदावार खूब हो रही है तो राजा शक्तिशाली हो रहा है, अपने यहाँ भर्तियाँ कर रहा है, सैनिकों को मजबूत कर रहा है, और इसके साथ ये क्षेत्र जंगल फॉरेस्टर में है, और इस जंगली क्षेत्र में एक जानवर यहाँ के राजा को मिलता है उपहार स्वरूप, आप ये समझिए कि यहाँ पर हाथी आसानी से उपलब्ध हैं, और इस समय के युग में यदि आपके पास हाथी हैं तो आप तेज़ी से किसी को भी हरा सकते हैं, क्योंकि आप ऊंचाई पर बैठे हैं और हाथी को जल्दी गिराया नहीं जा सकता। तो ये कुछ भौगोलिक और नेचरिक जो फीचर्स हैं वो यहाँ के राज्य में को मजबूत बनाती हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता होती है कि आपका राजा कैसा है।
तो मगध साम्राज्य का जो राजा है, जो राजवंश में जो राजा भी हुए हैं, वो भी काफी बलशाली और बलवान हुए हैं और उन्होंने इस भौगोलिक परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढाला है और जिसका रिजल्ट आप देखते हैं कि भारत में एक सशक्त साम्राज्य का उदय होता है। जो भारत में पहला सबसे शक्तिशाली साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है, वो भी आप देखते हो मगध में होता है। लेकिन मौर्य वंश से पहले भारत में कई और राजवंश पैदा हुए हैं, तो हम उसको देखते हैं। तो ये जो है हमारा वंश, ये आपका सबसे शक्तिशाली राजवंश होगा, सबसे शक्तिशाली प्रदेश होगा। और इनकी जानकारी हमें किसमें मिलती है? इनकी जानकारी हमें ग्रंथों में मिलती है, टेक्स्टों में मिलती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे राइज ऑफ मगधा, यानी मगध का उदय। ठीक है मित्रों, मगध का उदय। तो मगध के उदय देखते हैं। मगध का उदय यानी राइज ऑफ मगधा। राइज ऑफ मगधा, जरा इसे देखते हैं। तो राइज ऑफ मगधा में अगर हम बात करते हैं, तो ये जो कहानी है, बेसिकली जो आज मैं आपको कहानी बता रहा हूं, ये कहानी स्टार्ट होती है प्री मौर्य पीरियड से। किससे? प्री मौर्य। और प्री मौर्य पीरियड क्या समय है, इसको जरा समझते हैं। प्री मौर्य पीरियड है यानी पूर्व मौर्य काल। क्या है मित्रों? पूर्व मौर्य काल। और ये जो पूर्व मौर्य काल है मित्रों, ये कई वंशों के लिए जाना जाता है। तो यदि हम इस वंश के बारे में जानकारी लें, तो सबसे पहला जो वंश हिंदुस्तान में मगध में उत्कर्ष हुआ था, वो बेसिकली आपका बृहद्रथ वंश था। क्या था? बृहद्रथ वंश। इसके बारे में जानकारी हमें जो मिलती है मित्रों, वो क्या थी? वो हमें महाभारत से मिलती है, क्योंकि इसी वंश में एक राजा होंगे जिसका नाम जरासंध होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो वंश होगा मगध में प्री मौर्य पीरियड में, वो होगा बृहद्रथ वंश। ठीक है, जानकारी कम है इसलिए इसके बारे में साक्ष्य कम उपलब्ध हैं, लेकिन जिसके बारे में साक्ष्य ज्यादा उपलब्ध हो जाते हैं, वो डायनेस्टी कहलाती है हरियक वंश। और कई बुकों में हरियक वंश को मगध की सबसे पहली डायनेस्टी कहा गया है, लेकिन हम तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। तो मैंने कहा पहला वंश आपका बृहद्रथ वंश है। दूसरा वंश अगर हम बात करेंगे, तो दूसरी डायनेस्टी आएगी तीसरी, वो होगी शिशुनाग वंश। क्या होगी? शिशुनाग वंश की डायनेस्टी होगी। ठीक है, तीसरी अगर हम यहाँ पे बात कर लें, तो इस वंश के जो नाम होगा तीसरा वंश, वो होगा नंद वंश। क्या होगा? नंद वंश। तो आपको इनके बारे में जानना है, बृहद्रथ वंश के बारे में जानना है, हरियक वंश के बारे में जानना है प्री मौर्य काल में, और शिशुनाग वंश के बारे में जानना है, और नंद वंश के बारे में जानना है। ठीक है, इसके अलावा ये तो थे मगध में शासन करने वाले शासकों का एक वंश। इसके अलावा भारत में प्री मौर्य पीरियड में आप और चीज पढ़ेंगे, ये तो आपका ओवरऑल एक फर्स्ट टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक हो गया इन्वेजन ऑफ फॉरेनर, यानी विदेशी आक्रांता, विदेशी आक्रमण। तो क्या भारत में इस समय विदेशी आक्रमण हुआ था? बिल्कुल सर, भारत में इस समय विदेशी आक्रमण हुए थे। कितने विदेशी आक्रमण हुए थे? यदि हम विदेशी आक्रमणों की संख्या पे बात करें इस समय प्री मौर्य पीरियड में, तो भारत में दो लोगों ने विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पे हमें इतिहास में मिलते हैं। कितने आक्रमणकारी मिलते हैं? दो विदेशी आक्रमणकारी आक्रांता मिलते हैं। और जो दो विदेशी आक्रांता हैं वो कौन कौन से हैं? एक आक्रांता होंगे वो ईरान से भारत में हमला करेंगे, यानी फारस, बेसिकली फारस। फारस ने आक्रमण किया। और दूसरे अगर हम बात करें, तो दूसरा जो आक्रांता है वो दिग्विजयी सम्राट है, और वो आपका बात करते हैं, वो हैं आपके यूनानी, यानी सिकंदर के आक्रमण के बारे में यहाँ पर जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, सिकंदर के बारे में जानकारी हमें मिलती है। और इसके बाद का जो पीरियड है वो मौर्य काल का पीरियड हो जाएगा, जिसमें हम मौर्य काल में अध्ययन करेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ, यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, आगे ना जाते हुए यहीं से हमारी कहानी बेसिकली स्टार्ट हो जाती है।
और यहाँ बात करते हैं हम एक वंश की जिसका नाम है बृहद्रथ वंश। तो बेसिकली जरा देखते हैं बृहद्रथ वंश में है क्या सिस्टम, ठीक है। तो जरा देखें जो पहली डायनेस्टी है मगध की, तो मित्रों इसके बारे में जानकारी के स्रोत कम है। बृहद्रथ डायनेस्टी इसके बारे में क्या है जानकारी के स्रोत हमारे पास, सोर्सेज ऑफ दिस डायनेस्टी वी हैव लिटिल एविडेंस। तो इस लिटिल एविडेंस में यदि हम बात करें तो इसकी जानकारी, इसके सोर्स के बारे में जानकारी की अगर हम बात करें तो मित्रों इसकी बेसिकली जानकारी हमें महाभारत से मिलती है। ये किससे मिलती है? महाभारत टेक्स्ट, ठीक है, या और दूसरी ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। और इसके एविडेंस हमें कम मिलते हैं, यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कम है, तो इसके बारे में बाकी कहानी तो कहानी के तौर पर ही देखी जाती है। यदि हम इस वंश के संस्थापक या फाउंडर की बात करें, संस्थापक के बारे में बात करें, तो इस वंश का जो संस्थापक है उसका नाम ही बृहद्रथ ही है। क्या है? बृहद्रथ है, ठीक है। और सबसे फेमस या ग्रेटेस्ट महान राजा या फेमस राजा, महानता तो उसे नहीं कहेंगे क्योंकि वो थोड़ा महान नहीं है, अगर हम इसके फेमस राजा के बारे में बात करें तो फेमस रूलर के बारे में यदि हम बात करें तो वो थे आपके जरासंध। क्या थे? जरासंध थे, ठीक है, जरासंध है, इसलिए हमने इसमें महाभारत का उल्लेख किया है। बेसिकली जो इतिहास हमें उपलब्ध है सही से वो हरियक वंश से उपलब्ध है। तो हम डिस्कस करते हैं हरियक डायनेस्टी के बारे में, तो चलते हैं इस पर हम। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका दूसरा जो वंश है हरियक वंश। हरियक वंश, हरियक डायनेस्टी, हरियक डायनेस्टी, इसके अगर हम टाइम के बारे में बात करें तो इसका टाइम है 544 BC से 412 BC तक, इतना इन्होंने शासन क्या है किया है, यानी 544 BC से 412 BC तक, ठीक है। इस वंश का एक और नाम इतिहासकारों ने दिया है, इस वंश का एक और नाम दिया है, इस वंश को पितृहंता डायनेस्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता डायनेस्टी, पितृहंता वंश। कौन सा वंश? पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो सक्सेसर आएंगे, जो उत्तराधिकारी आएंगे, वो अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठेंगे, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं, इस पितृहंता वंश के संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, इसे जरा देखें हम लोग। इस वंश के संस्थापक फाउंडर, तो इस वंश के संस्थापक जो महोदय हैं उनका नाम है बिंबिसार। क्या नाम है? बिंबसार, ठीक। कहा जाता है ये बिंबसार जो महोदय हैं वो एक सैनिक हैं, यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि एक व्यापारी हैं, और एक व्यापारी संघ बनता है। सैनिक इस समय जो बनाए जाते थे वो व्यापारिक संघ होते थे, व्यापारिक संघ होते थे जो सैनिक कहलाते थे, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि बिंबसार महोदय जो सैनिक हैं, ठीक है, ये अब बात आती है कि इस समय के राजा अपना क्षेत्र कैसे विस्तार करते थे। तो इस समय का जो राजा होता था वो अपना क्षेत्र का विस्तार बाई मैरिज, बाई एग्रीमेंट, बाई बायलेटरल रिलेशन से करते थे। बायलेटरल रिलेशन बनता था सबसे पहले शादी द्वारा, तो ये भी शादियां करेंगे। तो पहली शादी, पहली मैरिज की अगर हम इनके बारे में बात करें तो पहली शादी इनकी जो होगी वो होगी चिलन्ना से। किससे होगी? चेलन्ना से होगी। और ये चेलन्ना कौन है? ये लिच्छवी गणराज्य की शासक की बहन है। किसकी है? लिच्छवी गणराज्य
चेटक की बहन, चेटक की बहन है ये, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, सेकंड मैरिज किससे करेंगे, सेकंड मैरिज की अगर हम बात करें तो वो है कौशल देवी, कौशल देवी। और ये कौशल नरेश, ये क्या है, कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत की बहन है। किसकी बहन है, प्रसेनजीत की बहन है। तो यानी दोनों से इसके रिश्ते हो गए हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये राजा जो हैं वो डाउरी भी देते हैं, और डाउरी में क्या दे देते हैं, यानी दहेज में क्या मिल जाता है इन्हें, काशी मिल जाता है। दहेज में इन्हें क्या मिल जाता है, काशी मिल जाता है, ठीक है, काशी मिल जाता है, ठीक। इसके बाद ये थर्ड मैरिज करेंगे, मैंने क्या कहा, शादी द्वारा अपना राज्य क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। लोग भी इनसे जुड़ते हैं कि चलो हमारा रिश्ता किससे हो गया है, इस खानदान में हो गया है, ठीक है। क्षेमा नाम है इनका, और ये जो क्षेमा महेलर हैं मैडम, ये कुरु राजकुमारी हैं, क्या हैं, कुरु की राजकुमारी हैं। क्या नाम है इनका, क्षेमा नाम है, ठीक है, ठीक। तो ये तीन क्षेत्र तो इनने शादियों से अपना लिए, और जो चौथा क्षेत्र है वो आक्रमण करके अपनाते हैं, यानी ये आक्रमण कर देते हैं। किस पर आक्रमण कर देते हैं, ये आक्रमण कर देते हैं अंग पर। तो आक्रमण द्वारा क्या जीता, अंग को मगध में मिला लिया, यानी मगध अब बहुत शक्तिशाली मगध में मिला लिया, यानी इतनी दूर तक मिलाया, मामला इनका बना, फिट हुआ, और इन्हें मगध साम्राज्य को इस तरह इन्होंने अपने में मिला लिया है। क्या किया, मगध साम्राज्य को इन्होंने इस तरह अपने में मिला लिया है। और जब मगध साम्राज्य को इन्होंने अपने में मिला लिया है, ठीक है, और जब ये इस समय अगर हम बात करें मगध पे शासक कौन था, अंग पर शासक कौन था, अंग का रूलर कौन था इस समय, तो अंग के अगर हम रूरल की बात करें तो अंग का रूरल था ब्रह्मदत्त। क्या नाम है इसका, ब्रह्मदत्त था अंग का रूलर। क्या है नाम, ब्रह्मदत्त है। तो मित्रों आप लोग समझ गए होंगे हरियवंश की कहानी, क्या हरियवंश की कहानी है, ठीक है। इसके बाद ये मगध में हो रही है, और इस समय मगध की जो कैपिटल इन्होंने बनाई है उसके बारे में और देखो, तो इस समय मगध की कैपिटल है गिरिब्रज, ठीक है। दो नाम है, एक नाम आपका राजगृह है, और इसी को एक नाम और देते हैं ये लोग, जिसको हम कहते हैं गिरिब्रज नाम है। क्या नाम है, गिरिब्रज है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। तो ये तो हो गया शादियों द्वारा, आक्रमण द्वारा। इसके अलावा ये एक काम और करता है महाराज, क्या नाम करता है, इसके यहाँ इस समय का सबसे बड़ा फिजिशियन रहता है, यानी इसका जो राजवैद है जिसका नाम क्या है, जीवक। ये क्या है इनका, इनका ये राजवैद है। तो इस राजवैद को प्रयोग करते हैं मेडिकल डिप्लोमेसी की तरह, किस तरह, मेडिकल डिप्लोमेसी, यानी इस तरह जैसे भारत का मैं कोई विदेशी यहाँ पर इलाज करने आए और वो ठीक हो जाए, ठीक है। जहांगीर भी देखो इलाज करके ठीक हुए थे, तो हॉकिंस को कैप्टन इंग्लिश खान की उपाधि दे दी थी। फरकुसियर को देखो, फरमान दे दिया था फरकुसियर महोदय ने, थोड़ा ठीक कर दिया। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, एक जीवक है जो इनका राजवैद है, इसको उन्होंने कहाँ भेज दिया, इसको उन्होंने अवंती भेजा। कहाँ भेजा, अवंती। कहाँ भेजा इन्होंने, अवंती भेजा, राजवैद को अवंती के राजा, अवंती के राजा चंद प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा। किसके लिए भेजा, इनके इलाज के लिए भेजा, या उपचार शब्द ज्यादा बेटर है, फॉर ट्रीटमेंट, उपचार के लिए भेजा। इसके लिए उपचार हेतु, जब उपचार हेतु यहां पर भेज रहे हैं, तो अब ये बताइए, तो अवंती इन्हें नहीं मिलेगा। तो इस तरह अवंती से भी मगध की क्या हो गई, मैत्री हो गई। जीवक के बारे में एक तत्व और बताएं, ये वही व्यक्ति है जिसने महात्मा बुद्ध का भी इलाज किया है। यानी कुल मिला के आप दो बातें समझ सकते हैं कि बिंबिसार महोदय जो हैं
इनका जो कार्यकाल है वो कैसा है, महावीर महा क्या नाम है आपका, महात्मा बुद्ध के समकालीन है और जीवक भी जो है महात्मा बुद्ध के समकालीन है और ये भी महात्मा बुद्ध का इलाज करते हैं और यहाँ तो फिलहाल चंद प्रद्योत का इलाज कर रहे हैं। किसका इलाज कर रहे हैं, चंद प्रद्योत का उपचार कर रहे हैं। अब बात आती है कि भैया चंद प्रद्योत क्या ही से पीड़ित थे, तो मित्रों चंद प्रद्योत जो हैं ये किससे परेशान थे, तो इन्हें भैया जॉइंटिस हुआ था, क्या हुआ था, पीलिया रोग से पीड़ित थे, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने मैरिज अटैक और मेडिकल डिप्लोमेसी के द्वारा अपना राज्य बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है, मगध को एक सशक्त राज बनाया। लेकिन समस्या यहाँ पे ये हो गई कि इन्होंने गद्दी जल्दी नहीं छोड़ी। जब इन्होंने गद्दी जल्दी नहीं छोड़ी तो इनका जो पुत्र होगा वो क्या करेगा, वो इनकी हत्या कर देगा। तो इनका पुत्र जो है अजात शत्रु वो इनकी हत्या करके क्या बनता है, गद्दी पर बैठता है। तो अगला जो है हमारा वो है दूसरा शासक यहाँ का, जिसका नाम है अजात शत्रु। क्या नाम है मित्रों, अजात शत्रु। और ये जो अजात शत्रु हैं ये इनका एक और नाम है, इनको इतिहासकारों ने कुणिक बोला है, क्या बोला है, कुणिक बोला है, क्या बोला है, कुणिक बोला है, ठीक है। और इनका कार्यकाल अगर हम बात करें 492 BC से लेके कब तक है, 460 BC तक, कब तक है मित्रों, 460 BC तक, ठीक है। ये अजात शत्रु अपने पिता की हत्या करके, किसका कह करके, पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा, क्या बैठा, पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा है, ठीक। दूसरी बात देखो, दूसरी बात सर ये कि ये जो है मगध जो व्यक्ति है इसके समय दो घटनाएं घट रही हैं। पहली घटना 483 BC में क्या हुआ, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, किसकी मृत्यु हुई, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का राजा कौन है, अजात शत्रु है। इसके अलावा एक काम और हुआ कि 468 BC में एक घटना और घटी, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, किसकी, महावीर स्वामी की मृत्यु। ये भी कब होती है, जब मगध का राजा कौन है, अजात शत्रु है, ये फैक्ट याद रखना, ठीक है। और जब महावीर महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ही BC में इसी समय क्या होता है, एक बौद्ध संगति होती है, क्या होती है, बौद्ध महासंगति, यानी पहली बौद्ध महासंगति का आयोजन किया गया, फर्स्ट बौद्ध महासंगति। और ये महासंगति कहाँ पर हो रही है, राज गृह में हो रही है, कहाँ पर हो रही है, राज गृह में हो रही है। तो यानी कौन राजा है, ये है। और इस बौद्ध संगति की अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं, अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो इस प्रेसिडेंट के महासंगति के अध्यक्ष आपके बनाए जाएंगे। यहाँ पर महासंगति हो गई कहाँ पर, राजगृह में, राजा कौन है, आपके अजात शत्रु हैं, ठीक। इसके अलावा अगला फैक्ट अगर हम देखें तो अगला फैक्ट है हमारा, इन्होंने क्या किया, वज्जी पर आक्रमण किया, क्या किया, वज्जी पर आक्रमण किया, वज्जी पर आक्रमण किया, क्या किया, वज्जी पर आक्रमण, और उसे क्या कर लिया, मगध में मिला लिया, मगध में मिला लिया इसे, वज्जी को मगध में मिला लिया, बाकी पापा मिला ही गए थे, ठीक है। दूसरा बात, और इस युद्ध में दो अस्त्रों का प्रयोग किया गया, किसके, दो अस्त्रों का, क्या दो अस्त्र हैं जो महिष्मती ने यूज किए थे, रथ मूसल जो भल्लाल देव पर था, और दूसरा था आपका महाशिला कंटक जो बाहुबली के पास था। ये दो अस्त्र का प्रयोग करके इन्होंने बज्जी को जीता है, ठीक है। इसके बाद शादी की इन्होंने, ठीक, इनकी शादी अगर हम बात करें, इनकी मैरिज किसके साथ हुई, तो इनकी मैरिज जो हुई है वो हुई है वाजरा के साथ, ठीक। ये हैं कौन, ये प्रसेनजीत की बेटी हैं, क्या हैं, प्रसेनजीत की पुत्री हैं, इनके साथ क्या हो रही है, इनकी शादी हो रही है, ठीक है। तो ये बात हुई क्या, अजात शत्रु के बारे में।
और इसके बाद जो अगला राजा बनेगा वो कौन सा होगा, वो होगा उदयन। कौन राजा है अगला? उदयन राजा है। ठीक है, ये ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है, ये शासन करेंगे 460 BC से 440 BC तक। ठीक है, और ये केवल एक काम करेंगे, ये अपनी जो कैपिटल पापा मम्मी ने बनाई थी उस कैपिटल की जगह एक नया नगर बसाएंगे, और अब राजधानी क्या कर देंगे, मगध की। अब मगध की राजधानी पाटली पुत्र कर दी गई है। क्या कर दी गई है? पाटली पुत्र कर दी गई है। ठीक है, और इसी पाटली पुत्र को आगे जाके पटना कहलाएगा, और ये पटना नगर कौन बसाएगा वो आपको मेडिवल पीरियड में मिलेगा। शेर शाह सूरी एक नया नगर बसाएगा जो पटना कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा ठीक उदयन के बाद, उदयन के पश्चात यदि हम बात करें अगले रूलर कौन बने, तो उदयन के पश्चात उदयन का बेटा अनिरुद्ध बनता है राजा। कौन बनता है? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के बाद मुंडक बनता है। कौन बनता है? मुंडक बनता है। ठीक, और मुंडक के बाद यदि हम बात करें अंतिम रूलर, लास्ट रूलर यानी अंतिम शासक, तो मित्रों अंतिम शासक के बारे में यदि हम बात करें तो अंतिम शासक है आपका नागदशक। क्या नाम है? नागदशक। और इस नागदशक की अगर हम बात करते हैं तो इसकी हत्या कर दी जाती है इसके सेनापति द्वारा, और सेनापति का नाम क्या है? शिशुनाग। क्या है? शिशुनाग। और किस वंश की स्थापना की द्वारा? और मगध पर एक नया साम्राज्य, मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। किसकी कर दी? शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी है। ठीक है, किसकी कर दी? शिशुनाग वंश की स्थापना हमने क्या की? कर दी है। ठीक है, तो अगला जो है हमारी कहानी वो है हमारी अगले वंश की, और वो वंश कौन सा है? वो वंश है बेसिकली मित्रों शिशुनाग वंश। कौन सा वंश है? शिशुनाग वंश है, यानी शिशुनाग डायनेस्टी है। कौन सी डायनेस्टी है? शिशुनाग डायनेस्टी है। शिशुनाग डायनेस्टी, इनका जीवन कब तक चलेगा? ये चलेंगे 412 BC से 344 BC तक। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो पहली इसके फाउंडर के बारे में बात करें तो इसके फाउंडर ऊपर ही लिखे हैं। कौन है? शिशुनाग हैं। ठीक है, कौन है? शिशुनाग। कब से कब तक रहेंगे? 412 BC से मित्रों ये व्यक्ति रहेगा 394 BC तक। कब तक? 394 BC तक। ठीक, ये क्या करेंगे? ये अपनी राजधानी कैपिटल चेंज कर देंगे, और अब ये कैपिटल क्या कर देंगे? अपनी वैशाली कर देंगे। क्या कर देंगे? वैशाली कर देंगे। दूसरा, ये अवंती पर हमला करेंगे, अवंती पर आक्रमण करके उसको बर्बाद कर देंगे। बर्बाद किया। ठीक है, इनके बाद जो अगला राजा बनेगा वो होगा काला अशोक। इनके बाद कौन बना? काला अशोक इनका पुत्र, और ये बैठा रहेगा 394 BC से रहेगा ये बंदा। कब तक? 366 BC तक। इसके बारे में केवल ये है, इसका एक और नाम है, और नाम है काकवर्ण। क्या है? काकवर्ण। इसके बारे में केवल तुम्हें ये पता करना है कि इसके इस टाइम पे सेकेंड बौद्ध महासंगति होती है, सेकेंड बौद्ध महासंगति हुई का आयोजन किया। ठीक है, द्वितीय महासंगति। ठीक, और ये द्वितीय महासंगति कहाँ पर हो रही है? ये द्वितीय महासंगति आपकी वैशाली में हो रही
है पाटलिपुत्र में हो रही है। ठीक है, बात समझे यहाँ पे। वैशाली में करा दी इनने द्वितीय महासंगति। दूसरी बात, काला अशोक कैपिटल भी चेंज करेगा। ये कैपिटल पुनः कहाँ ले जाएगा? पुनः कैपिटल पाटलिपुत्र ले जाएगा। पुनः कैपिटल कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गया। ठीक है, और द्वितीय महा तृतीय महासंगति होगी कब? ये होगी 383 BC पर, 383 BC पर। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल हो गई। अब बात आती है अंतिम राजा। तो अंतिम राजा या लास्ट रूलर के बारे में बात करें तो अंतिम राजा जो था वो था नंदी वर्धन। क्या नाम था? नंदी वर्धन। और इस नंदी वर्धन की हत्या करके, लास्ट रूलर कौन है? नंदी वर्धन। इसकी हत्या कर दी जाएगी। हत्या इसके ही सेनापति करेंगे दोबारा से, सेनापति द्वारा। और ये सेनापति होंगे महापद्मानंद। क्या नाम है? महापद्मानंद। और किसकी स्थापना करेंगे? नंद डायनेस्टी की स्थापना करेंगे। किसकी स्थापना करेंगे मित्रों? नंद डायनेस्टी की स्थापना करेंगे। तो नेक्स्ट आपका है कौन सा वंश? नंद वंश। ठीक है, तो कंप्यूटर से अगला पेज मांगते हैं। तो अगली जो डायनेस्टी है वो कौन सी है? नंद वंश, नंदा डायनेस्टी। क्या नाम है? नंदा डायनेस्टी। और ये डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी 344 BC से। कब तक चलेगी मित्रों? 323 BC तक, यानी मौर्यों के आगमन तक। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक के बारे में यदि हम बात करें, संस्थापक, तो इसका संस्थापक मित्रों क्या है? महापद्मानंद। महापद्मानंद है। क्या नाम है? महापद्मानंद संस्थापक, महापद्मानंद। ठीक है, कहा जाता है इतिहास में ये पहला शूद्र शासक है, प्रथम शूद्र शासक। इतिहासकार इसे क्या बताते हैं? प्रथम शूद्र शासक के तौर पर इसे बताते हैं। ठीक है, महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? कलिंग पर आक्रमण, कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग पर आक्रमण किया। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख। कौन सा है? हाथी गुंफा अभिलेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास में हमने तुम्हें जब इंस्क्रिप्शंस बताए थे तो उसमें एक हाथी गुंफा अभिलेख खारवेल का, उसके बारे में भी बताया था। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें किसका था खारवेल, ये रूलर कौन है? खारवेल है, सक शासक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, खारवेल का है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं इसकी अगली अपॉर्चुनिटी। इसके कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे। इन 8 पुत्रों में जो शासक बनेगा, जो अगले योग्य शासक होगा, ठीक है, वो इसका लास्ट एवं ग्रेटेस्ट, इस डायनेस्टी का सबसे महान शासक है, वो है घनानंद है। कौन है मित्रों? घनानंद है। ठीक है, तो ये घनानंद अंतिम शासक हैं। और इन घनानंद के ही समय भारत पर किसका हमला होगा? सिकंदर का हमला होगा। कब का? सिकंदर का आक्रमण होगा। किसका आक्रमण होगा? सिकंदर का आक्रमण होगा। ठीक है, और भारत पर पहला सिकंदर का आक्रमण हो जाएगा। और ये कहा जाता है कि इस घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर किस वंश की स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने आज डिस्कस किया क्या क्या टॉपिक के, कौन कौन से महाजनपद थे, ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया। ठीक, और इसके अलावा हम लोगों ने आज देखा कि किसके बारे में क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, ये महाजनपद भी हमने आपको बताया, वर्तमान स्थिति बताई। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें वंश के बारे में बताया। ठीक है, बृहद्रथ वंश के बारे में सोर्स कम है, पितृहंता वंश के बारे में बताया। ठीक, इस तरह बहुत संगतियाँ कराई।
और मौर्य वंश पर पहुंच गए। कल हम लोग डिस्कस करेंगे इस समय प्री मौर्य पीरियड की सोसाइटी, कल्चर और रिलीजन, और इसके अलावा दोनों विदेशी आक्रमणताओं के बारे में। ठीक है, तो मित्रों आपके प्यार हमें मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारे इस प्रयास को देखिए और बताइए कि ये जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या और सुधार किया जा सकता है। बाकी हम लोगों ने एक सिंक्राइज करके एक सीरीज़ तैयार की है जो आपके आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार की गई है, और ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएगी। जोर लग के मन लगा के पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।